जादू वाला घास का लहंगा। एक दिन प्रिया अपने लिए घास का ड्रेस बना रही थी। वो जंगल से नए नए घास चुनकर लाया करती थी और अपने लिए घास का ही ड्रेस बनाया करती थी। तभी एक दिन प्रिया की सास उर्मिला उससे कहती है, अरे प्रिया बहू, कब तक तू ऐसे घास वाले ड्रेस पहनती रहोगी? गली मोहल्ले के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं आज ही तुम्हारे लिए बाजार से ढंग का कपड़ा ले आती हूँ। कम से कम बाहर निकलने के लिए तेरे पास अच्छे कपड़े तो होने चाहिए ना? नहीं माजी, माजी ये घास वाले ड्रेस से हमारी आदिवासी संस्कार झलकते हैं। माजी ये तो हमारी पुरानी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। माजी मुझे नौकरी करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं घर बैठे भी पैसे कमा सकती हूँ। बहू तू घर बैठे पैसे कैसे कमा लेगी? तू तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, तुझे बाहर किसी के घर जाकर झाड़ू पोछा करना होगा। तभी प्रिया का पति विकास वहाँ पर आता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ आपको पता है प्रिया बहुत अच्छे कपड़ा सिलना जानती है। ये लड़के और लड़कियाँ दोनों का ड्रेस बना सकती है। माँ मेरे लिए भी प्रिया ने कपड़े सिले थे जब मेरा जंगल में एक्सीडेंट हुआ था। विकास एक प्राइवेट इंजीनियर था और वो अपनी गर्मी की छुट्टियों में दोस्तों के साथ कुछ दिन के लिए जंगल की सैर पर गया था। वहाँ विकास का एक्सीडेंट हो गया था और वो पहाड़ों से गिरता हुआ आदिवासी बस्ती में आकर गिरा था और अपने दोस्तों से बिछड़ गया था। उसी समय प्रिया के पिता दिनेश की नज़र विकास पर पड़ी और वो विकास को उठाकर अपने घर ले आए। तब प्रिया ने विकास की बहुत सेवा की और उसे जड़ी बूटी दवाइयों से ठीक कर देती है। उस हादसे में विकास के कपड़े बुरी तरीके से फट गए थे। तभी प्रिया ने विकास के लिए सिलाई मशीन पर नए कपड़े सिले थे। प्रिया दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, इसी वजह से विकास को प्रिया से प्यार हो जाता है और वो उसे प्रपोज कर देता है। उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद विकास और प्रिया दोनों शहर आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद विकास की नौकरी छूट जाती है। नौकरी छूट जाने के बाद उनके घर का हालात खराब होने लगता है। ऐसे में प्रिया और उर्मिला घर का खर्च जैसे तैसे चलाने लगे थे, लेकिन अब जमा पैसे भी खत्म हो गए थे। उर्मिला को इस बात की चिंता सता रही थी कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। तभी प्रिया कहती है, माँ जी मेरे घर पर सिलाई मशीन रखी हुई है, मैं पिताजी से बात करके सिलाई मशीन यहाँ मंगवा लेती हूँ, क्योंकि आपकी वाली सिलाई मशीन तो खराब हो चुकी है। बहू मशीन तो मंगा लोगी, लेकिन कपड़े कहाँ से लाओगी? माँ जी मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, उन पैसों से हम कपड़े खरीद कर ले आएंगे। ठीक है प्रिया बहू, तू जल्द ही ये काम शुरू कर दे। प्रिया ने फोन करके अपने पिता से सिलाई मशीन शहर मंगवा लेती है और विकास को बाजार भेजकर कुछ सस्ते सस्ते कपड़े मंगवा लेती है। कपड़े देखकर प्रिया की सास बोलती है, प्रिया ये तो बहुत सस्ते कपड़े हैं। माँ जी एक बार इन कपड़ों को सिल जाने दीजिए, फिर ये कपड़े आपको महंगे लगने लगेंगे। प्रिया ने उन सस्ते कपड़ों से लड़कियों के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस सिलकर तैयार करती है। प्रिया की सिली हुई ड्रेस देखकर उसकी सास कहती है, अरे प्रिया बहू ये कपड़े तो सच में बहुत महंगे लग रहे हैं, एक ड्रेस की कीमत 1000 रुपए से कम नहीं लग रही। प्रिया बहू तेरे हाथों में जादू है जादू। माँ जी अब मैं इन कपड़ों को बाजार में बेचने जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है बेचाना, लेकिन बाजार जाने के लिए पहले अपने लिए तो कुछ कपड़े सिल ले। माँ जी मुझे अपने लिए कपड़े सिलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अपने इस घास वाले ड्रेस में ही बाजार जाऊंगी। हे भगवान ये कैसी बातें कर रही है बहू, अब यही दिन देखना रह गया था कि मेरी बहू घास के ड्रेस पहनकर बाजार जाएगी, लोग मुझे क्या कहेंगे। अरे माँ घास वाले ड्रेस में क्या खराबी है, प्रिया सही तो कह रही है। अगर प्रिया घास वाली ड्रेस पहनकर बाजार जाएगी तो लोग इसके तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे और इसके कपड़े खरीदने के लिए इसके पास आएंगे, तभी तो प्रिया के सिले हुए कपड़े बाजार में ज्यादा बिकेंगे। शायद तू ठीक कह रहा है बेटा। उसके बाद प्रिया अपने घास वाले ड्रेस में बाजार जाती है और रोड के किनारे बैठकर अपने सिले हुए कपड़े बेचने लगती है। आओ आओ कपड़े ले लो, सेल लगी है सेल, 50% डिस्काउंट पर कपड़े ले जाओ, 2000 वाले कपड़े 1000 रुपए में ले जाओ।
प्रिया की आवाज सुनकर आने जाने वाले राहगीर उसकी तरफ देखने लगते हैं। शहर में रहने वाले लोग कभी भी किसी को आदिवासी ड्रेस में नहीं देखा था। प्रिया को देखने के लिए उसके पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोगों की नज़र जब प्रिया के कपड़ों पर पड़ती है तो लोग उसे कपड़े खरीदने लगते हैं। तभी एक औरत प्रिया से कहती है, अरे बहन जी, ये ड्रेस क्या आपने सिली है? जी मैम साहब। अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर ड्रेस है, मेरी बिटिया के ऊपर ये बहुत सुंदर लगेगी। ऐसा करो, तुम ये ड्रेस पैक कर दो। प्रिया उस औरत को ड्रेस पैक करके दे देती है और वो औरत प्रिया को खुशी खुशी 1000 रुपए देती है। थोड़ी ही देर में एक लड़की आती है और प्रिया की सिली हुई ड्रेस देखकर कहती है, अरे ओ घास वाली, ये लो 1000 रुपए और मुझे ये ड्रेस पैक कर दो। जी मैडम, ये लीजिए आपकी ड्रेस। ऐसी ही एक एक करके प्रिया की सारी ड्रेस बिक जाती है। प्रिया के बिजनेस का पहला दिन बहुत ही अच्छा रहा और वो खुशी खुशी पैसे लेकर घर आ जाती है। प्रिया को देखकर उसकी सास कहती है, अरे प्रिया बहू, तुम खाली हाथ आई हो, तेरी सारी ड्रेस कहाँ गई? माँ जी, वो सारी ड्रेस तो बिक गई। क्या, सारी ड्रेस बिक गई? हाँ माँ जी, ये लीजिए आज की पूरी कमाई पूरे 15000 रुपए है। अब कल मैं और ढेर सारे ड्रेस बनाऊंगी। दूसरे दिन प्रिया लड़कों के लिए शर्ट और पैंट सिलती है और उन कपड़ों को लेकर बेचने के लिए बाजार जाती है। दूसरे दिन भी प्रिया अपने घास वाले ड्रेस में थी। उस दिन भी उसे देखने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तभी एक लड़का प्रिया के पास आता है और प्रिया से कहता है, अरे वाह, शर्ट और पैंट आप ये सब भी सिलती हो? हाँ भाई साहब, मैं छोटे बच्चों के भी कपड़े सिलती हूँ। अच्छा ठीक है, आप मेरे लिए ये शर्ट और पैंट पैक कर दो, इन्हें ले जाकर अपने पिताजी को दिखाऊंगा। मेरे पिताजी की कपड़ों की फैक्ट्री है, अगर उन्हें आपके सिले हुए कपड़े पसंद आ जाएंगे तो आपको उनके फैक्ट्री में काम भी मिल जाएगा। ठीक है, ये लीजिए आपके कपड़े। ये लीजिए आपके पूरे 1000 रुपए और आप मेरा कार्ड भी ले लीजिए, कल सुबह आप मेरे नंबर पर कॉल कर लेना। उस दिन भी प्रिया के सारे कपड़े फटाफट बिक जाते हैं। प्रिया पैसे लेकर घर आ जाती है। घर आकर प्रिया विकास और अपनी सास को सारी बात बताती है। प्रिया की बातें सुनकर उसकी सास कहती है, अरे वाह प्रिया बहू, तुझे तो अब शहर के लोग पहचानने लगे हैं और अब तुझे फैक्ट्री में काम भी मिल जाएगा। हाँ माँ जी, ये सब आपकी आशीर्वाद से हुआ है। प्रिया बहू, अब तो तुम अपने लिए कुछ कपड़े सिल लो। माँ जी, लोग मुझे घास वाले कपड़ों से ही पहचानने लगे हैं और मेरी इसी ड्रेस की वजह से लोग मेरे पास आते हैं और मेरे सिले हुए कपड़े खरीद कर ले जाते हैं। फिर इस घास वाले ड्रेस में क्या बुराई है? ठीक है प्रिया बहू, जैसा तुझे अच्छा लगे। दूसरे दिन प्रिया उस लड़के के दिए हुए नंबर पर फोन करती है और वो लड़का कहता है, हाँ बहन जी, मेरे पिताजी को आपकी सिली हुई ड्रेस बहुत पसंद आई है, आप मेरे पिताजी से मिलने उनके ऑफिस चली जाओ, मैं आपसे वहीं पर मिलूंगा। प्रिया उस लड़के के पिताजी से मिलने के लिए ऑफिस चली जाती है। प्रिया अपना घास वाली ड्रेस ही पहनी हुई थी। ऑफिस के सारे लोग बस प्रिया को ही देखे जा रहे थे। तभी वो लड़का प्रिया के पास आता है और प्रिया से कहता है, हाय, मेरा नाम रोहन है और ये मेरे पिताजी का ऑफिस है, चलो आपको मैं अपने पिताजी से मिलवाता हूँ। मोहन प्रिया को अपने पिताजी से मिलवाता है। मोहन के पिताजी प्रिया को अपने कंपनी में ड्रेस डिजाइनर का काम दे देते हैं। प्रिया एक ड्रेस डिजाइनर बन चुकी थी, अब हर रोज ऑफिस में आया करती और मन लगाकर काम किया करती थी। प्रिया अपने घास वाले ड्रेस में ही ऑफिस आती थी। एक दिन मोहन के पिता प्रिया से कहते हैं, प्रिया, ये तुम्हारे घास वाले ड्रेस हर किसी को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है, तुम एक ऐसी ही घास वाले कपड़ों की ड्रेस बनाओ जिसमें आर्टिफिशियल घास लगे हो, शायद वो लोगों को पसंद आए। अरे, मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, मैं आज ही एक ऐसा ड्रेस बनाऊंगी। प्रिया उसी दिन कपड़े का एक लहंगा बनाती है जिसमें आर्टिफिशियल घास लगाती है। प्रिया का वो लहंगा जब बाजार में आता है तो लोग खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। मुझे ये लहंगा चाहिए। नहीं नहीं, ये लहंगा मुझे चाहिए। अरे नहीं नहीं, मुझे अपनी बेटी के लिए ये वाला लहंगा चाहिए। तभी दुकानदार कहता है, अरे लेकिन ये लहंगा तो एक ही पीस है, इसलिए किसी एक को ही मिलेगा। हर कोई प्रिया का बनाया हुआ घास वाला लहंगा खरीदने के लिए उत्सुक था, लेकिन वो लहंगा किसी एक को ही मिल सकता था। लोगों ने वैसा लहंगा लाने के लिए डिमांड करने लगे।
अब बाजार में प्रिया के बनाए हुए घास वाले लहंगे की खूब मांग बढ़ गई। प्रिया के पास अब हजारों लहंगे बनाने का ऑर्डर आ गया था। प्रिया दिन रात मेहनत करके लहंगा सिलने लगी। तभी मोहन के पिता प्रिया से कहते हैं, प्रिया तुम्हारी वजह से कंपनी का लाखों का प्रॉफिट हुआ है। इस वजह से कंपनी ने तुम्हारी सैलरी बढ़ाकर पूरे 90,000 रुपए कर दिए हैं। प्रिया घर आकर ये खुशखबरी अपनी सास उर्मिला और विकास को बताती है। तभी विकास प्रिया से कहता है, प्रिया शहर में जिसे देखो तुम्हारे सिले हुए घास वाले ड्रेस पहनकर घूम रहे हैं। मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी ये ड्रेस इतनी स्टाइलिश बन जाएगी। हाँ प्रिया बहू, अब तो मुझे भी तुम्हारी ये घास वाली ड्रेस अच्छी लगने लगी है। विकास, अब तुम्हें भी मेरे कामों में मदद करनी होगी। प्रिया, लेकिन मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकता हूँ, मुझे तो सिलाई आती ही नहीं है। तुम्हें सिलाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अपनी खुद की कपड़ों की फैक्ट्री खोल ले। हाँ ये तो तुमने अच्छा सोचा है प्रिया, लेकिन इसके लिए हमें बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। विकास, वो सब तो हो जाएगा, हम कंपनी के नाम पर लोन ले लेंगे और धीरे धीरे करके लोन चुका देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी कंपनी संभालनी होगी। ठीक है प्रिया, मैं इसके लिए तैयार हूँ। दूसरे दिन प्रिया बैंक से लोन लेकर अपने काम की शुरुआत करती है और कुछ दिनों की मेहनत के बाद वो खुद का कपड़ों की फैक्ट्री खोल लेती है। अब प्रिया अपने फैक्ट्री में खुद कपड़े सिलने लगी थी। प्रिया और विकास ने खूब कड़ी मेहनत करके शहर में अपना फैक्ट्री का नाम रोशन करते हैं। प्रिया के कपड़ों का मांग अब दूसरे शहर में भी आना शुरू हो गया था। अब धीरे धीरे प्रिया की कमाई बढ़ने लगी थी और वो बैंक का लिया हुआ लोन चुका देती है। अब प्रिया का बनाया हुआ ड्रेस विदेशों में भी बिकने जाने लगे थे। तभी विकास प्रिया से कहता है, प्रिया तुम्हारे मेहनत के कारण आज तुम्हारा नाम विदेशों में भी रोशन हो गया है। विकास, ये सब मैं अकेले नहीं कर पाती, मेरे इस काम में तुमने और माँ जी ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी और माँ जी के आशीर्वाद से हूँ। प्रिया ने अपनी मेहनत के बल से अपना नहीं बल्कि अपने परिवार को मुश्किल समय से बाहर निकाला और अपना नाम रोशन की। गंजी बहू के सर पर मेहंदी का डिजाइन। हरिपुर में रहने वाले शर्मा परिवार में इस समय उलझन चल रही थी, क्योंकि घर के इकलौते बेटे किशन की शादी मीनाक्षी नाम की एक मॉडल लड़की से हुई थी। क्योंकि किशन और मीनाक्षी एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने लव मैरिज कर ली थी और मीनाक्षी शहर की एक मॉडल लड़की थी, इसलिए किशन की माँ अमृता इस बात पर थोड़ी परेशान थी। ऐसे ही एक दिन, माँ कम से कम अब तो गुस्सा छोड़ दो, माना कि मीनाक्षी एक मॉडल लड़की है लेकिन वो दिल की बहुत ही अच्छे स्वभाव की है, आप मेरा विश्वास करो। अरे तो मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, अब जब तुम लोगों ने रीति रिवाज के साथ शादी कर ली है तो अब तो वो हमारे घर की बहू बन ही गई है, इसलिए अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन हाँ, मैं अपने घर में एक संस्कारी बहू लेकर आना चाहती थी, लेकिन ये तो पूरी की पूरी मॉडल लड़की है। क्या तुमने कभी इसका पहनावा देखा है, छोटी छोटी स्कर्ट और टी शर्ट पहनकर घूमती रहती है, और वहीं संस्कारी बहू होती तो बिना साड़ी और सर पर पल्लू लिए नहीं घूमती। उसी समय किशन के पिता महेश कहते हैं, अमृता माना कि हमारी बहू मॉडर्न है लेकिन मेरा यकीन करो, मैं उसे बात कर चुका हूँ, बहुत ही अच्छा स्वभाव है मीनाक्षी का, और अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसने सबके लिए इतना स्वादिष्ट हलवा बनाया था पर तुमने खाया ही नहीं, अब कम से कम एक बार खा कर तो देखो, बहू को बहुत अच्छा लगेगा। उसी समय वहाँ पर मीनाक्षी आ जाती है और कहती है, माँ जी ये लीजिए, गर्मा गर्म हलवा लाई हूँ आपके लिए। और पूजा दीदी कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। किशन बता रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो हमारी शादी में भी नहीं आई थी। ऐसा है बहू, वो कहीं आती जाती नहीं है, वो बस अपने कमरे में ही पड़ी रहती है। पता नहीं उस बेचारी पर कौन सा दुखों का पहाड़ टूटा कि उसने अपने कमरे से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। और अब तो तुम इस घर की बहू हो, इसलिए तुम्हें भी इन सब बातों का पता होना चाहिए, इसलिए जाओ तुम उसके कमरे में ही उसे ये हलवा दे आओ, इससे तुम्हें उसके दुखों का अंदाजा भी हो जाएगा। अपनी सास की ये बातें सुनकर मीनाक्षी को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो हलवा लेकर अपनी नंद पूजा के कमरे में जाती है और वो पूजा को देखकर हैरान हो जाती है। उसी समय पूजा कहती है, अरे मीनाक्षी क्या हुआ, आओ ना अंदर। इतना सुनकर मीनाक्षी अंदर जाती है
और हलवा टेबल पर रख देती है और कहती है, अरे दीदी, आपके सगे भाई की शादी थी और आप तब भी हमारी शादी में शामिल नहीं हुए। मुझे पता है कि आपकी तबीयत ठीक थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आप हमारी शादी में शामिल नहीं हुई? किस मुँह से शामिल होती मीनाक्षी, तुम्हें पता है मैं आज तक किसी के शादी पार्टी में नहीं गई, और इन सब का असली कारण है मेरा ये गंजापन। और तुम्हें पता है कि मैं एक ऐसी बीमारी से संक्रमित हुई थी जिसकी वजह से मेरे सर के सारे बाल झड़ गए और मैं गंजी हो गई, और उस दिन के बाद से मेरे सर पर कभी भी बाल नहीं आए, और इसी वजह से आज तक मेरी शादी नहीं हुई, क्योंकि सब कहते हैं कि हमें गंजी बहू नहीं चाहिए, इसलिए मेरा कहीं भी आने जाने का मन नहीं करता, क्योंकि लोग मेरे इस गंजेपन का बहुत मजाक उड़ाते हैं, मुझे गंजी गंजी कहकर बुलाते हैं। तो तुम ही बताओ मैं इन सब का सामना कैसे करती? दीदी, लोगों का तो काम ही है कहना, और अगर हम लोगों की बातों में आकर जीना छोड़ देंगे तो हमारे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। और किसने कहा कि आप सुंदर नहीं हो? मैं कह रही हूँ कि आप बहुत सुंदर हो, और एक दिन ये बात सब जान जाएंगे। मीनाक्षी की बातें सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे एक हिम्मत मिलती है, और उस दिन के बाद से मीनाक्षी पूजा का बहुत ख्याल रखती थी, और पूजा को मीनाक्षी का साथ मिल जाने की वजह से पूजा सबके साथ खुश रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन मीनाक्षी पूजा से कहती है, दीदी, हमारे यहाँ मेहंदी का एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो क्यों ना आप उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो, इससे आपको एक हौसला मिलेगा। नहीं मीनाक्षी, मैं ये नहीं कर सकती, मैं एक गंजी हूँ और मैं सबके सामने इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा दीदी, क्योंकि आप मेहंदी का डिजाइन अपने हाथों पर नहीं बल्कि अपने गंजे सर पर लगाओगी, और ये देखकर लोग आपका मजाक नहीं बल्कि हैरान हो जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो मीनाक्षी, मैं अपने गंजे सर पर मेहंदी का डिजाइन लगाऊं? अरे इससे तो लोग मेरा और भी मजाक उड़ाएंगे। अरे दीदी, आपका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। ऐसे ही मेहंदी कॉम्पिटिशन का दिन आ जाता है और मीनाक्षी ने पूजा का नाम मेहंदी कॉम्पिटिशन में पहले ही लिखवा दिया था, लेकिन मेहंदी कॉम्पिटिशन वाले दिन मीनाक्षी ने भी अपना लुक पूरी तरह से बदल लिया था, और ये देखकर उसकी सास अमृता कहती है, अरे बहू, ये क्या, तुमने अपने बाल क्यों काट लिए, अब तुम भी पूजा की तरह गंजी हो गई। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी, ये सब मैंने सिर्फ पूजा दीदी के लिए किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो अपने आप को अकेला समझे, इसलिए उनका साथ देने के लिए मैं भी उनकी तरह गंजी हो गई, और आज हम दोनों नंद भाभी मिलकर अपने गंजे सर पर मेहंदी का डिजाइन लगाएंगे। क्यों दीदी, मैंने सही कहा ना? मीनाक्षी, मेरी प्यारी भाभी, थैंक यू सो मच, सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम बहुत अच्छी हो। और इस तरह मीनाक्षी ने जो अपने नंद पूजा के लिए सम्मान भरा काम किया था, यह देख मेहंदी कॉम्पिटिशन में आए सभी लोग उनके इस हौसले को देखकर उनके लिए जोरदार तालियां बजाती हैं, क्योंकि दोनों नंद भाभी ने मिलकर अपने गंजे सर पर मेहंदी का बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाया था, जिस वजह से वो लोग मेहंदी कॉम्पिटिशन जीत जाती है और उन्हें सम्मान के साथ पुरस्कार दिया जाता है। और उसी कॉम्पिटिशन में आए एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर पूजा और मीनाक्षी के पास जाते हैं और कहते हैं, सच में आज तुम लोगों ने मेहंदी से ये डिजाइन बनाकर फैशन का एक नया लुक सबके सामने लाए हो, और इस डिजाइन को बनाकर तुम लोगों ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है, इसलिए मैं आप दोनों नंद भाभी की पिक्चर अपने मैगजीन के फ्रंट पेज पर लगाना चाहता हूँ, तो क्या आप दोनों हमारे कंपनी की नई मॉडल बनने के लिए तैयार हैं? जी जरूर, हम दोनों इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और दीदी, अब पंख लगाकर अपने सपनों को छूने का समय आ गया है, इसलिए अब आप तैयार हो जाइए आसमान की चोटी को छूने के लिए, और थैंक यू सो मच सर, जो आपने हम लोगों को इस लायक समझा। और इस तरह अपने नंद पूजा के लिए मीनाक्षी ने अपने आप को गंजी बना लिया, और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि अपने इस एक फैसले की वजह से उसने पूजा के मन में जो हौसले की किरण भरी थी वो काबिले तारीफ थी, और उस दिन के बाद से पूजा के लिए कई सारे अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, और कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाती है, और शादी के बाद भी पूजा अपना काम करती रहती है, और एक दिन वो एक बहुत बड़ी मॉडल बन जाती है, उसके जिंदगी में खुशियों का बहार आ जाता है,
और इन सब का सारा श्रेय अमृता अपनी बहू मीनाक्षी को देती है, क्योंकि उसने शुरू शुरू में मीनाक्षी को उसके कपड़े और उसके मॉडर्नपन की वजह से जज किया था, जो कि सरासर गलत था, क्योंकि इंसान की पहचान उसके लुक या उसके कपड़ों की वजह से नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान और उसके अच्छे व्यवहार की वजह से होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।